चिड़ियों को जगाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने रची हमारी काया। कोरोना काल में जब सब कुछ ठप हो गया, कारोबार से लेकर पढ़ाई लिखाई सब चौपट होने लगी, पैसे वाले ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे लेकिन गांव के गरीब बच्चे असहाय थे। ऐसे बच्चों के लिए मसीहा बनकर आए सागर के शिक्षक चंद्रहास श्रीवास्तव। ये कोरोना काल में यही सर आए हैं, इन्हीं के अनुसार हम पढ़ पाए हैं सर। सर ये मैथ्स वगैरह और सब्जेक्ट पढ़ाई करवाई, योगा वगैरह भी करवाया। मास्टर जी का स्कूटर और स्कूटर में स्कूल, जितना ये सुनने में हैरान करता है देखने में उतना ही अद्भुत लगता है। जी सर, मैं रिचोड़ा टपरा में भी जाता हूँ, क्योंकि मतलब वहाँ तो हमारी पोस्टिंग है, तो वहाँ तो हम पूरा समय देते हैं, मतलब 10 से 4 बजे तक वहाँ रहते हैं। फिर इसके बाद जो समय रहता है खाली समय, सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक हम अन्य जगहों में पढ़ाते हैं। शहर की जो बाढ़ है मतलब आने लगे हुए अपने घर के आसपास हैं, और हमारे जो वहाँ हम जिस गांव में जाते हैं उसके पास भी जो आसपास गांव हैं वहाँ भी हम मतलब आध घंटा 1 घंटे का जब समय रहता है 4 के बाद, तो मतलब 4 से 5 से लेकर मतलब आने 8 बजे तक हम अन्य स्थानों पर भी पढ़ा रहे हैं। गुरु जी करीब 1 साल से यहाँ आ रहे हैं। सरकारी स्कूल की पहली घंटी बजने से पहले और छुट्टी की घंटी बजने के बाद मास्टर जी की यही पाठशाला होती है। गुरुजी का मकसद है उन गरीब बच्चों को पढ़ाना जो कोरोना काल में स्कूल नहीं जा रहे हैं। गरीब बच्चों पे हमारा फोकस ज्यादा है, उन्हीं के लिए हम काफी पेन पेंसिल काफी बांट चुके हैं और अभी भी बांट रहे हैं निरंतर। गांव में घर घर का आंगन, अपनी अपनी बोरी लेकर आए बैठे बच्चे, टीचर के हाथ में मोबाइल, टकटकी लगाए मोबाइल देखते बच्चे। ऐसे ही बच्चों के लिए मास्टर चंद्रहास अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने वहाँ पर क्या किया, जिस गांव में पढ़ाने जाते थे तो वहाँ टावर नहीं मिलता था, तो हमने नवाचार किया, हमारी पुस्तकालय पे एक पुस्तकालय बनाया, चलता फिरता पुस्तकालय, वो भी स्वयं की स्कूटी पे बनाया, और इस पे मैंने स्वयं मतलब ये कबाड़ी के सामान से एकत्र करके जी पूरा बनाया। इसमें लगभग 500-100 बुकें हैं और एक साइड ग्रीन बोर्ड लगा है और बुकें हैं। तो हम बच्चों को मोहल्ला में जहाँ जाते तो वहाँ ग्रीन बोर्ड नहीं थी, तो हमने इसको गाड़ी में लगा लिया, तो 5 बच्चों को पढ़ा दिया वहाँ पर बैठ के, और बुकें भी दे दी पढ़ने के लिए, और वो बुकें बच्चे ले लेते हैं और 5 दिन बाद वापस कर देते हैं। पढ़ाई के बीच बीच में वो गांव के लोगों से भी बातचीत करते हैं। गांव वाले बच्चों की भाषा में बच्चों को बताते हैं कि पढ़ाई क्यों जरूरी है। बड़े दादाजी है, इनसे पूछिए मिलिए क्या जी, कैसा लग रहा है आपको देखकर? अच्छा लग रहा है सर। हाँ, इससे क्या लाभ हो रहा है? मोड़ी मोड़ी शिक्षा मिल रही सर। गणेश जी, आपको इसके बारे में क्या विचार है, जरा बोलिए। नमस्ते सर जी, जब से लॉकडाउन लगा है और हमारे प्रचार सर जी ने जब से घर चलता फिरता पुस्तकालय बनाया है, हमें इससे बहुत लाभ हुआ, हमारे बच्चों को भी बहुत लाभ हुआ है। इससे पहले ये चबूतरा गंदगी का ढेर था, मास्टर जी ने जिद की, कुछ पैसे जेब से लगाए, गांव वालों का साथ मिला तो चबूतरे पर लगने लगी क्लास। सर आते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, सब बच्चों को एक लाइन में बिठाते थे, पढ़ाते थे, कॉपी किताब बांटते थे, और बच्चे फालतू नहीं फिरे, जितना उनके पास समय था वो आन के अपने बच्चों को क्लास ले लेती थी। खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने का उनका तरीका काफी दिलचस्प है, बच्चों को पता ही नहीं चलता कि वो कोई खेल खेल रहे हैं या पढ़ रहे हैं। अच्छा प्रीति, यहाँ बाहर आओ निकल गए। हाँ, तुम्हें सबसे अच्छा दिन कौन सा लगता है? रविवार। क्यों लगता है, क्यों, किस दिन? छुट्टी रहती है। इन 7 बच्चों के हमने नाम रख दिए, तुम्हारा क्या नाम है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। गाँव के लोग ऐसे टीचर को अपने बीच पाकर खुद को धन्य मानते हैं। घर हमारा विद्यालय राज्य शिक्षा केंद्र का एक कार्यक्रम चल रहा है, तो उसके अंतर्गत जो वीडियो आते थे हम बच्चों को वहाँ दिखाने ले जाते थे। बुंदेलखंड क्षेत्र में यहाँ पर हमारा जो पुस्तकालय है इसको हम और बढ़ाने की सोच रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी में कुछ लोगों ने आपदा को अवसर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, किसी ने जनसेवा की तो किसी ने अपना कारोबार कई गुना बढ़ा लिया। महामारी में भी हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, तो मास्टर चंद्रहास जैसे सैकड़ों लोगों की जिद की वजह से अज्ञानता के खिलाफ इनकी जंग सरहद पर लड़ रहे सैनिकों से कम नहीं है। यही तो सच्ची देशभक्ति है।
24 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।